आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी पाठक। छत्तीसगढ़ में आज से 3 साल पहले परिवहन विभाग के जो 16 चेक पोस्ट यानी जांच चौकियां बंद की गई थी उन्हें अब फिर से शुरू कर दिया गया। ये वही चेक पोस्ट है जिस पर कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए रमन सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला था। तब कांग्रेस ये कहती थी कि चेक पोस्ट सरकारी तंत्र की अवैध उगाही का एक बड़ा जरिया है। इस बड़े आरोप के बीच तत्कालीन रमन सरकार ने ये कहते हुए प्रदेश के सभी चेक पोस्ट बंद कर दिए थे कि एक देश एक टैक्स लागू होने की वजह से चेक पोस्ट खोले जाने का कोई औचित्य ही नहीं। लेकिन अब जब भूपेश सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर सभी 16 चेक पोस्ट शुरू कर दिए हैं तो अब बीजेपी ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। ये सवाल कितने वाजिब हैं और क्या चेक पोस्ट की पुरानी व्यवस्थाएं बदलने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही चलेंगे मध्य प्रदेश जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ। हालांकि तमाम भाजपाई कह रहे हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर शिवराज की नई टीम तैयार होने के बाद 4 दिन बाद भी मंत्रियों के महकमे अब तक तय क्यों नहीं हुआ है। दूसरी ओर सीएम शिवराज ने जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली की दौड़ लगाई वही अब एक बार फिर हुई। दिल्ली क्यों गए, ये बड़ा सवाल सबके जहन में। हालांकि माना यही जा रहा है कि सीएम शिवराज ने हाईकमान से विभागों के बंटवारे को लेकर ही बात की और वह मंत्रियों के विभागों की अंतिम सूची लेकर ही दिल्ली से लौट रहे हैं और अब कभी भी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। लेकिन सवाल वही है कि विभाग के बंटवारे में लेट लगी थी आखिर क्यों हुई। क्या विभागों के बंटवारे में सिंधिया समर्थक मंत्री बाधा बन रहे हैं या वजह कोई और है, आज इस पर विस्तार से बात होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां चेक पोस्ट पर चकल्ला है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पिछली सरकार में बंद किए गए चेक पोस्ट कांग्रेस सरकार में दोबारा खोल दिए गए। भूपेश सरकार के इस फैसले पर सियासी गलियारे में चौतरफा विरोध हो रहा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि लूट खसोट की शिकायत के बाद तत्कालीन रमन सरकार ने चेक पोस्ट बंद किए जाने का फैसला लिया था। ऐसे में मौजूदा सरकार के इसे खोलने के फैसले को हर कोई समझ रहा है। वही सत्ता में बैठी कांग्रेस ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर चेक पोस्ट एक बार फिर खुल गए हैं। ये वो चेक पोस्ट हैं जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 4 जुलाई 2017 को बंद कर दिया था। तब बीजेपी ने दलील दी थी कि एक देश एक टैक्स लागू होने की वजह से चेक पोस्ट खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि ये तथ्य भी उजागर हुए थे कि सरकारी तंत्र की अवैध उगाही का एक बड़ा जरिया ये चेक पोस्ट ही है। ऐसे में जनता के बीच छवि न बिगड़े इसके मद्देनजर रमन सरकार ने इन चेक पोस्टों को फौरन बंद करने का फैसला लिया। हालांकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि अंतर्राज्य सीमाओं पर बंद किए गए चेक पोस्ट दोबारा खोल दिए जाएं। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के 18 महीने बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इधर चेक पोस्ट खोले जाने वाले भूपेश सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने अब चेक पोस्ट की दुकान खोलकर अपना पेट भरने की तैयारी कर ली है। इन्होंने जिस जिस चीज का विरोध किया, बैरियर का बहुत विरोध करते थे, बैरियर के प्रदर्शन करते थे, आज बैरियर खोलने के लिए सबसे आगे बढ़ के आ रहे हैं, उसके पीछे मंशा पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस की सरकार एक नई दुकान चालू कर रही है। पहली उनकी दुकान थी शराब की, दूसरी उनकी दुकान थी रेत की और अब तीसरी उनकी दुकान शुरू हो रही है फिर से नाके और बैरियर शुरू करने की। दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सत्ता पक्ष के मुताबिक अगर चेक पोस्ट से लूट खसोट होती है तो रमन राज में क्यों 13 साल तक ये चेक पोस्ट खुले रहे। रमन सिंह जी यह बताएं कि अगर ये लूट खसोट केंद्र हैं तो इसका कितना हिस्सा रमन सिंह जी तक और भाजपा के नेताओं तक पहुंचा करता था। छत्तीसगढ़ में अब चेक पोस्ट पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।
लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें इस बार चेक पोस्ट की व्यवस्था पूरी तरह से बदली जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब इन पोस्ट पर पुलिस अफसर तैनात नहीं होंगे। प्रदेश के सभी 16 जांच पोस्ट पर परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि व्यवस्था बदलने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या कहानी वही पुरानी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो चेक पोस्ट पर शकल्ला आज के इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हैं, स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के एस सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले गुप्ता जी नहीं दिख रहे हैं, मनोज जी आखिर मुद्दा क्या है, इतना हाय तौबा क्यों? हालांकि एक देश एक कर की बात है, तो जब एक देश एक कर की बात है तो ऐसे में फिर से चेक पोस्ट क्यों शुरू किए गए? देखिए सर, ये जुलाई 2017 में जब ये था कि साल भर बाद चुनाव होना है, और उस समय बहुत सारी शिकायतें थी कि इन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली होती है, जो ट्रक और दूसरे तरह के वाहन हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसते हैं उनसे अवैध वसूली की जाती है, और इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हुई थी, और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसने लगातार सरकार से ये शिकायत की थी कि यहाँ पर जो है भारी भरकम वसूली की जाती है और एक लंबा जो पैसा है अवैध कमाई का वो लोगों में बंटता था। ये तमाम शिकायतों के बाद इसको बंद किया गया था, और उस समय ये तर्क दिया गया था कि जीएसटी के तहत एक राष्ट्र एक टैक्स का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसके तहत अब ये इसका औचित्य नहीं रह गया, और उस समय इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद सरकार में आने के बाद जो है लगातार इस पर जो है नई सरकार कांग्रेस सरकार विचार करती रही, और अब जो है जाकर इसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। शुरू में हालांकि 4-6 महीने पहले भी इस तरह की चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय भी ये हुआ था कि शायद इसका ज्यादा विरोध होगा, इसलिए उस समय इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, और अभी 2-3 मजबूत आधार बनाकर इसको फिर से जो है शुरू किया गया है। एक तर्क तो ये है कि छत्तीसगढ़ संवेदनशील राज्य है, नक्सली जो है नक्सल प्रभावित इलाके काफी हैं, यहाँ पर 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं, और दूसरे राज्यों से जो जो भी वाहन आते हैं उन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, धड़ल्ले से पहुंच जाते हैं, हो सकता है इसमें नक्सलियों की मदद करने वाले सामग्री या दूसरे तरह के अवैध गतिविधियां संचालित होने की बातें हों, तो उनको चेक करना जरूरी है। एक बड़ा आधार इसको बनाया है कि छत्तीसगढ़ की सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए बैरियर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों की बहुत सारी शिकायतें हैं, तो इस तरह के वाहन जो आते हैं उनसे जो है जुर्माना लगाकर करीब 200 करोड़ रुपए सालाना इससे रेवेन्यू मिलेगा। इस तरह के ये दो मजबूत तर्क रखते हुए जो है इसको फिर से मनोज जी एक सवाल ये है, मनोज जी भाजपा ने जब विरोध किया तो मनोज जी सवाल ये है कि जब रमन सरकार थी वो रमन सरकार के दौरान आपने कहा कि बहुत आरोप लगते रहे, विरोध होता रहा, ये विरोध कौन कर रहा था? विपक्ष में तो कांग्रेस थी, क्या कांग्रेस विरोध कर रही थी? बिल्कुल कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, लेकिन मुझे याद आता है कि ज्यादातर जो शिकायत है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से आता था। इसके अलावा उस समय एक सर्वे सरकार ने कराया था कि कौन कौन सी चीजें सरकार के खिलाफ जा सकती हैं 2018 के चुनाव में, तो ये एक बड़ा इशू उस समय सरकार को समझ में आया था कि इसके चलते सरकार की बदनामी हो रही है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। हालांकि विपक्ष भी इस इशू को उठाता था, लेकिन जो है सर्वे में ये बात सामने आई थी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट यूनियन ने लगातार इस संबंध में शिकायत की थी, और मीडिया ने भी इसको उस समय बहुत प्रमुखता से उठाया था। जी जी जी, चलिए हम केदार जी से पूछ, केदार जी कहाँ चले गए थे? आपका मैंने स्वागत किया है, बचपन में मैंने अमीन साहनी की आवाज सुनी थी, और अब इस समय एंकरिंग कर रहा हूँ तो आपकी सुनता हूँ। ऐसी आवाज कभी कभी आ जाए करें, लंबे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लंबे समय बाद आप हमारे से मुखातिब हो रहे हैं। खैर, यहाँ फिर से चेक पोस्ट शुरू कर दिए गए हैं, आपकी सरकार थी तो बंद कर दिए गए थे, ऐसी स्थिति में अब आप लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो चेक पोस्ट शुरू किए गए हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा।
आपने 3 साल पहले ही बंद किया था, हालांकि जीएसटी का आधार लगा के आपने बंद किया था, लेकिन लंबे समय तक आपका शासन रहा, तो क्या उस समय भ्रष्टाचार के अड्डे नहीं थे क्या? नहीं देखिए, एक न्यूज चैनल नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा उनको, एबीपी और उनके ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी को पता चला और पहले से बातें सुनाई दे रही थी, और जब स्पष्ट रूप से पता चला तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और 24 घंटे के अंदर वो बैरियर बंद कर दिए। जो भ्रष्टाचार के अड्डे थे उसे बंद कर दिया गया, और पहले हो रहा था नहीं, बाद में हो रहा था कि नहीं, बस जिस दिन पता चला उसके 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया। और फिर जीएसटी भी आ गया था और उसके लिए कोई बैरियर की आवश्यकता नहीं थी। और जब कांग्रेस सरकार उस समय विपक्ष में थी, जो आज सरकार में बैठे हैं, वो विरोध करते थे कि वहां पर लूट खसोट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और उसे बंद किया जाना चाहिए। और आप देखें तो त्रिपाठी जी, लगातार कांग्रेस जिन चीजों का विरोध करके सत्ता में आई है, आज सत्ता में आते ही उसे अपना रही है। मैं 3 बड़ी चीजें आपको बताता हूं। पहला तो वो कहते थे कि सरकार शराब बेचेगी, अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार शराब बेचने का काम कर रही है, ये आते वही काम कर रहे हैं, ये सर शराब बेच रहे हैं। फिर इन्होंने संसदीय सचिव के अपॉइंटमेंट पर ऑब्जेक्शन उठाया था, ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया इनका बात को, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी गए अपना पक्ष रखने, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, उसके बाद ये संसदीय सचिव बना रहे हैं। और ये जो बात चेकपोस्ट की है, इसका लगातार ये विरोध करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार है और उसे बंद कर दिया। आज फिर ये उसी को खोल कर बैठ रहे हैं। इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही कारण से अगर ये बात सुलट जाती तो मैं कहता हूं कि ये बड़ी हानि नहीं होती, परंतु आप देखें, अगर 40,000-50,000 किसी ट्रक का भाड़ा है और वो मान लीजिए कि नागपुर से झारखंड जा रहा है, तो कम से कम 2 जगह उसको चेकपोस्ट पड़ेंगे, और वहां पर जो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाएगा पैसा, क्या वो भाड़े में नहीं जुड़ेगा? और भाड़े में जुड़ेगा तो वो सामानों में जुड़ेगा, तो हमको और आपको, और जहां वो माल अनलोड होगा वो उसमें महंगाई की जड़ होगा। और ये सरकार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार के माध्यम से ये अपने जेब भरने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज खुली थी कि इसमें भ्रष्टाचार है और उसे बंद करना चाहिए, अब एक टैक्स एक राष्ट्र के तहत उसकी आवश्यकता भी नहीं है। रही बात ओवरलोडिंग की, तो आसपास जितने भी स्टेट्स हैं वहां से चेक होके आता है, और अदरवाइज आप फ्लाइंग स्क्वाड रख लीजिए, चेक पोस्ट की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आता ये कितनी दुकानें खोलेंगे। रेती में जहां मारामारी हो गई, माफिया आ गए और हत्या का प्रयास किया गया, अधिकारियों की गाड़ियों में ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया, अब यही हाल शायद चेक पोस्ट में होगा। किरार जी, थोड़ा सा यहाँ एक सब्जेक्ट में भंसाली जी से उत्तर तो लूंगा, लेकिन थोड़ा सा, हालांकि मीडिया का ये काम है बताना चाहिए, आपने ये कहा कि एक मीडिया हाउस ने ये जानकारी दी, उसके तुरंत बाद हमने बंद कर दिया। थोड़ा सा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप 13 साल तक आपकी सरकार में खुफिया तंत्र क्या शून्य था, उसने आपको ये नहीं बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, एक मीडिया हाउस बता रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे रमन सरकार पे डेंट लग रहा है, तो उनका खुफिया तंत्र ही नहीं था। नहीं, 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 मैं कहना चाहता हूं, देखिए त्रिपाठी जी, अगर कोई बात सुनने में आ रही है और कोई बात दिखाई पड़ रही है और उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार, तो प्रश्न उठते हैं। और अगर कोई सरकार एक्शन लेती है, और क्या मालूम भ्रष्टाचार उसी समय शुरू हुआ होगा, पहले कंट्रोल में हुआ होगा और जैसे ही पता चला वैसे ही बंद कर दिया, तो मतलब एक मीडिया हाउस को पता चल गया, खुफिया तंत्र को नहीं पता चला, बंद कर दिया वो तो आपकी गुप्त, मैं कह रहा हूं, हो सकता है ना लंबा चौड़ा बना था उस समय भ्रष्टाचार शुरू हुआ, जो जो अधिकारी रहे हो वो भ्रष्टाचार कर रहे हो, इसलिए बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार होता ही है, तमाम ट्रक वाले ये बात बोलते हैं। और दूसरी बात त्रिपाठी जी, बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये सामान पर पैसा जुड़ेगा और जनता, प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। क्या ये अपने 100 करोड़ के लिए 500 करोड़ रुपए का महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डालना चाहते हैं? 1100 करोड़ रुपए का जो राजस्व प्राप्त होता था, चौकी खुली थी जब भी, और चौकी बंद करने के बाद भी 1100 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहा है, तो क्या आवश्यकता पड़ गई? कौन सा बजट बढ़ जाएगा? क्या जुर्माना ले लेकर ये सरकार चलाना चाहते हैं? मतलब नेक्स्ट स्लाइड,
कि नक्सलाइटों के, जैसे हमारे संपादक ने बताया कि नक्सलाइटों का सामान भी जा सकता है, रसद भी जा सकती है, ओवरलोडिंग भी होती है, ये जाने दें, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। किरार जी आपके पास आएंगे, भंसाली जी, भंसाली जी आखिर जरूरत क्या पड़ गई? किरार का जवाब दे दूं आपको। जी 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 भंसाली जी आ रहा हूं मैं, किरार जी जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, नक्सलाइट के सामान की बात है तो यहाँ पेपर चेक होंगे और वजन चेक होगा। क्या ये ट्रक की तालपत्री को खोल के सामान चेक करने वाले हैं? जी ये क्या सामान चेक करेंगे? और क्या पूरी ट्रक को खोल के चेक किया जा सकता है? तो नक्सलवाद की भी आड़ ले रहे हैं ये, और दुख की बात है, अपनी कमाई और भ्रष्टाचार के लिए नक्सलवाद का भय दिखा रहे हैं। क्या ये सामान और कारतूसों को पूरी ट्रक को खोलकर चेक करेंगे? क्या उसमें इनको कागज देखकर पता चल जाएगा कि इसमें नक्सलवादियों का सामान है? क्या आरटीओ के चेक पर पूरी सामानों की चेकिंग करते हैं? ये भ्रम का जाल जो ये पार्टी फैलाती है, ये कांग्रेस पार्टी, ये इसके व्यवहार में और मैं कहूंगा कि चरित्र में है कि लोगों को गुमराह करना और सीधे काम करके पैसा वसूलने और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करना। भंसाली जी का, भंसाली जी आपका ही नंबर है, आप ही उत्तर देंगे, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी चेक पोस्ट खोलने की? आप लोग विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया, किरार जी भी बोल रहे हैं और हमारे संपादक जी भी बोल रहे हैं कि इसका आप लोगों ने विरोध किया। जिस चीज का विरोध किया उसी को आप शुरुआत, उसी की शुरुआत कर रहे हैं। सिस्टम का विरोध किया था, जो भ्रष्टाचार के लिए वो सिस्टम जो बनाई गई थी, उस सिस्टम का विरोध किया था। हम कह रहे हैं जिस प्रकार पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते थे लोग एक मोटी रकम देकर, जिस प्रकार वहां पर चेक पोस्टों में अपनी मनपसंद चेक पोस्टों में पोस्टिंग होती थी और करोड़ों अरबों रुपयों का, इन 13 सालों मुझे बहुत खुशी है कि केदार गुप्ता जी ने आपके चैनल में ये स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार होता था। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने, इन्होंने ये भी बताया कि चैनल में रिपोर्ट चली और दिखी, इसका मतलब इनका खुफिया तंत्र फेल था, इन्होंने ये भी मान लिया। हमने चेक पोस्ट शुरू करने के पीछे हमारी जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है। एक तो जो वाहन बिना अनुमति के जो राज्य की सीमाओं के अंदर प्रवेश करते हैं उन पे लगाम लगेगी, जांच पड़ताल होगी। दूसरी चीज तस्करी और ऐसी चीजों की लगातार जो सूचनाएं मिलती हैं उस पर रोक लगेगी। और इसके अलावा एक तरीके से हम देखें तो राजस्व भी इसमें प्राप्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि चेक पोस्ट में सिर्फ लूट खसोट ही होती है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके ही राज्य है, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन सारे राज्यों में चेक पोस्टें खुली, इसका मतलब वहाँ की सरकारें लूट खसोट कर रही हैं। यहाँ पर चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार कर और पूरा क्लीन करके इस चेक पोस्टों को शुरू की गई है। और निश्चित तौर पर इनके पास क्या है मैं बता दूं आपको, विपक्ष में है बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नितिन जी, अभी केदार गुप्ता जी महंगाई की चिंता कर रहे थे। नितिन जी आपने कहा, नितिन जी बढ़ जाएगा, ये नितिन होगा जी, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी, डीजल के और पेट्रोल के दाम बढ़ने से कितनी महंगाई बढ़ जाएगी? जरा ये भी आप, नितिन जी मेरी बात तो सुनो, महंगाई, नितिन जी मेरा सवाल सुनिए, के समय डायल होती थी, आज आपके समय पापा की परी होगी। नितिन जी एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि बड़ा क्लीन करके, मैंने वहाँ गंदगी थी कि आपने क्लीन कर दिया, आपने कहा कि ये लोग मनपसंद पोस्टिंग दे देते थे, आप लोग मनपसंद पोस्टिंग नहीं देंगे, आपके पास कोई ऐसी जांच जैसी कोई मशीन है कि बहुत ईमानदार आदमी है उसी को हम पोस्टिंग देंगे? ये चीज तो परिवहन विभाग में जब चेक पोस्ट में जो आरटीओ जो नियुक्त होगा, जो आरटीआई नियुक्त होगा, वो भ्रष्टाचार करेगा या नहीं करेगा, इसकी आप गारंटी क्या लेते हैं? आपके समय वो नहीं करेगा, उनके समय कर रहा था। गारंटी लेते हैं यदि जी उसके समय कर रहा था तो उनके समय में आप देखिए कि वहां पर पदस्थ कौन थे, पुलिस विभाग से ही प्रतिनियुक्ति पे आरटीओ में लोग जाते थे और अभी आरटीओ के ही लोगों को, परिवहन विभाग के ही अधिकारियों को और कर्मचारियों की सीमित मात्रा में वहां पर पोस्टिंग की जाएगी, गुणदोष के आधार पर की जाएगी। और मैं ये वादा करता हूं कि यदि कहीं 0.1% भी कहीं भ्रष्टाचार की छोटी सी भी शिकायत प्राप्त हो तो केदार गुप्ता जी लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे सूचित करवाएं। 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार इतनी भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग है कि उसके खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मतलब केदार जी जो कह रहे हैं वो सही है कि आप सिर्फ कागज चेक करेंगे, आप लिमिटेड वहाँ कर्मचारी उपस्थित रखने की बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं है।
माफ करिएगा, अगर लिमिटेड होगा तो ट्रक खोल के वो कैसे चेक करेगा मतलब सामान जा रहा क्या नहीं जा रहा? जितनी आवश्यकता होगी जी आदरणीय, जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार ही वहाँ पर पदस्थ प्रतिस्थापना की जाएगी। बहुत ज्यादा वहाँ पर अमला 10 लोगों की जरूरत है और 50 लोगों को यदि हम वहाँ पर पोस्टिंग कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लिमिटेड जितनी आवश्यकता होगी। देखिए ये सुरक्षा का मामला है, जहाँ पर नक्सलवाद की बात आ रही है, जहाँ पर ये इस विषय पे बात आ रही है कि इसमें हथियार या कुछ ऐसी चीजें भी कई बार इन चेक पोस्टों से निकल जाती हैं और पकड़ में नहीं आती, तो एक खौफ का वातावरण तो निश्चित तौर पर उन लोगों के मन में भी व्याप्त होगा कि नहीं यहाँ पर भी जांच पड़ताल होगी और ये बैठे हैं। भंसाली जी मतलब ये कह रहे हैं आप 13 साल 15 साल इनकी सरकार रही। भंसाली जी एक सवाल है केदार जी, कुछ भंसाली जी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ चले भंसाली जी नक्सलवाद जो था वो पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आया। सवाल को सुन लीजिए भंसाली जी, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले प्रतिनियुक्ति पे जाते थे वो भ्रष्टाचार करते थे, अब परिवहन वाले ही केवल रहेंगे, माने परिवहन वाले ईमानदार हैं और पुलिस वाले जो जाते थे वो भ्रष्ट हैं, आपका कहना है? देखिए किसी व्यक्ति पे हम ईमानदार या भ्रष्ट होने का सीधा आरोप तब तक नहीं लगा सकते। आपने कहा कि पुलिस वाले पदस्थ होते थे, आपने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो करते थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के मैं आंकड़े दे दूंगा कि कई अधिकारियों के खिलाफ आज भी जांचें चल रही हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग है, जैसा मैंने दावा किया मैं फिर से यह दावा करता हूँ कि आरटीओ चेक पोस्ट पर यदि 0.1% भी अगर हमको संदेह भी हुआ किसी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर कि वहां पर वो भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहा है, हम तत्काल 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तिराग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन 0.01% बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 0.001%। और आप लोग पुलिस वालों को क्यों प्रतिनियुक्ति पे भेजते थे? भाई परिवहन वाले ईमानदार थे, उन्हीं को रखते केवल, तो आप पे आरोप ही नहीं लगाते मंसाली जी? मेरा प्रश्न वही था कि एक तरफ नक्सलवाद की बात करते हैं और जो नक्सलवाद से पुलिस वाले लड़ते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का तोहमत जड़ रहे हैं ये, और परिवहन विभाग को क्या क्या अधिकार होते हैं ये बात को तो समझ लीजिए भंसाली जी। परिवहन विभाग गाड़ी के जांच और गाड़ी के रोड टैक्स की जांच पर ये तो नहीं कहा कि जो परिवहन विभाग में जांच क्या करेगा वो नक्सलवादियों से जानकारी है क्या उस विषय में? मैं पूछना चाहता हूँ क्या परिवहन को ये अधिकार है? ये अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। दूसरी बात, कौन सा अधिकार? कौन सा अधिकार की बात कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि सीमित लोग हैं तो पूरा अधिकार है, आरटीओ का ये काम है कि वो खोलकर ताल पत्र आपको और मुझे भी अधिकार है केदार भैया कि यदि कोई हथियारों की तस्करी कर रहा हो तो पुलिस को सूचना दे। आप भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ नितिन जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। और आप बारम्बार इस बात को कह रहे हैं कि आरटीओ वाले ईमानदार हैं और पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरी बात, आपकी सरकार 18 महीने की सरकार है और ये 18 महीने में आपने 18 बार तो ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, तो आप बैठ के कर क्या रहे हो? आपका तो ट्रांसफर उद्योग ही चल रहा है, तो आप भ्रष्टाचार करने के लिए इस सरकार को बनाए हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाए और एक पोस्टिंग और चालू करे जिसमें भी लगातार ट्रांसफर करे और धन ऐठे। आखिर ये है क्या सरकार? अड़ोस पड़ोस के राज्यों में सरकार लगा है विषय चेंज करके ट्रांसफर पोस्टिंग पे आता हूँ। सरकार उन्हें बनाई, सरकार जनता ने बनाई है। कहते हैं कि आजू बाजू के राज्यों में चेक पोस्ट लगे हैं, तो क्या अगर सरलीकरण करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य किसी चीज का, तो सरलीकरण नहीं होना चाहिए क्या? चेक पोस्ट हटाने के बाद भी अगर उतना ही रेवेन्यू आ रहा है तो इंस्पेक्टर राज की पुनः वापसी करना चाहती है क्या कांग्रेस? जो इंस्पेक्टर राज को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाहती है, मोदी जी हटाना चाहते हैं, क्या इंस्पेक्टर राज ये लाना चाहते हैं? और आजू बाजू के में क्या कानून है? ठीक है, अगर वो सरलीकरण हुआ छत्तीसगढ़ में तो सरलीकरण को क्या कांग्रेस नहीं मानती? नक्सलवाद में देश को इंस्पेक्टर राज समाप्त करने की शुरुआत दिव्य सिंह जी ने करी थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने सिर्फ लूट खसोट की। हाँ ठीक है, हम मानते हैं उन्होंने की थी, पर यह भी तो उसी पार्टी के हैं जो इंस्पेक्टर राज चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वही तो बड़ा प्रश्न है। तो भैया सरकार जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया है। अच्छा अगर नहीं है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बंद करवा दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? यही राज्यों में चेक पोस्ट चालू है उसके विषय में इसका मतलब हम माने कि आपके सारे मुख्यमंत्री लूट खसोट कर रहे हैं। चलिए केदार जी उत्तर दीजिए। नहीं नहीं देखिए भंसाली जी, मैं कह रहा हूँ अगर
बंसाली जी आपने प्रश्न उठाया तो सुन भी लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ राज्य ने उसका सरलीकरण किया है और बिना चेक पोस्ट के उतना रेवेन्यू आ रहा है तो क्या जरूरत है चेक पोस्ट की? आप बताइए क्या होगा चेक पोस्ट में? और मैं बीच में आपको कहना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट है, घंटे गाड़ियां वहां शुरू होने में चल जाएगी, कोरोना का समय है, चेक पोस्ट शुरू होने के बाद हम बताएंगे में उतना समय लगता है, किन चीजों पर रोक लगी और इसके लाभ क्या हुए ये भी बताएंगे। किदार जी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इन सब जगहों पर चेक पोस्ट है। बंसाली जी मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में भी चेक पोस्ट है जी। जी बंसाली जी क्या सरलीकरण को आप स्वीकार नहीं करते? बंसाली जी सरलीकरण को आप स्वीकार नहीं करते ऐसा किदार जी का पूछना है? बंसाली जी सरलीकरण को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं ऐसा किदार जी? बिल्कुल सरलीकरण है भाई साहब, बिल्कुल सरलीकरण है, बिल्कुल सरलीकरण है। हम इनकी बातों का ये बार बार लगाना सरलीकरण नहीं है। 15 वर्ष जिन लोगों ने नहीं चेक पोस्ट लगाना सरलीकरण ही है, इसके लाभ क्या हुए ये चेक पोस्ट शुरू होने दीजिए, एक महीने बाद हम बताएंगे कि इसके लाभ क्या हुए चेक पोस्ट शुरू करने के बाद और हमने किनके किनकी लगाम कसी, चाहे वो तस्कर हो चाहे वो हथियारों की नक्सलवादियों को यहाँ सर वहाँ हथियार और अन्य सामग्रियां भेजने का कार्य करते हो, निश्चित तौर पर ऐसे लोग भी इस चेक पोस्ट को शुरू करने के बाद जी एक साल बाद आप ये बता देंगे कि कितनी तस्करी पकड़ी हथियारों की। फिर से डिबेट रखिएगा बंसाली जी, बंसाली जी अगर आप एक साल ये चेक पोस्ट लगा करके आप ये संख्या बता दें इतने लोगों को पकड़ा है तो इसको तो ठीक है, और अगर एक साल तक न रसद पकड़ी नक्सलियों की न हथियार पकड़ा तो आप चेक पोस्ट ड्रॉप कर देंगे? आदरणीय ओवरलोडिंग की भी बात है जी, ओवरलोडिंग की भी बात है, आज सड़कें बनाने के नाम से अरबों खरबों रुपया जो खर्च हो रहा है इसमें ओवरलोडिंग की वजह से सड़कें भी खराब हो रही है, इसमें ओवरलोडिंग पे भी लगाम लगेगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिना अनुमति के जो वाहन दूसरे राज्यों से हमारे राज्यों में आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल होगी, सकारात्मक रूप से सोचे, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, 15 वर्षों तक इन्होंने लूट खसोट की है, इनके पास बयानबाजी मीडिया में बने रहने उन्होंने तो चेक पोस्ट बंद कर दिया था ना, आपने विरोध किया था करते हुए उल्टे सीधे आरोप लगाने का, आपने विरोध किया था, उन्होंने चेक पोस्ट बंद कर दिया था, आपका विरोध सिस्टम का विरोध किया था, हमने सिस्टम का विरोध किया था, हम सिस्टम में सिर्फ यह है कि पुलिस वाले पर चीजों को ठीक करके, मैं कह रहा हूँ ना कि हम इन चीजों को ठीक करके हम सिस्टम में मतलब पुलिस वाले पर जाएंगे, ये तो क्लियर हो चुका है कि प्रतिनियुक्ति पे परिवहन विभाग के ही अधिकारी जाएंगे और वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे ये नियम। चलिए चिराग जी फिर वही बात कि पुलिस वालों प्रतिनिधि पे इसलिए जाते पड़े, उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, जी मैं एक लाइन पूछना चाहता हूँ, क्या इसका नियम पारित कर दिया क्या, क्या इसका प्रावधान हो गया क्या कि आरटीओ पूरी गाड़ी की चेकिंग कर सकता है, सामानों की चेकिंग करेगा, ये क्या पास किया है? ये खाली रोड टैक्स को देखेंगे और ये एक बार कहते हैं कि आस पड़ोस में वे ब्रिज लगा हुआ है वहाँ पर नाके हैं तो वहाँ से ओवरलोडिंग तो वहीं पकड़ा जाएगा, वहाँ से ओवरलोडिंग की गाड़ी ओवरलोडिंग के ब्रिज का प्रावधान नहीं चाहिए। बंसाली जी पावर दिया है क्या आपने, प्रावधान पारित किया है क्या कि आरटीओ हर गाड़ी को चेक करेगा? बंसाली जी इसका उत्तर कैसे पकड़ेंगे को बताइए, बिल्कुल नियम पारित कर दिया है क्या, पावर दे दिए क्या कि सामान चेक करेगा की बात कर रहे हैं तो केदार गुप्ता जी कहाँ है वो नोटिफिकेशन कहाँ है बताइए, मैंने तो एक नहीं देखा, आप नोटिफिकेशन बताइए शुरू हुआ है, नोटिफिकेशन भी जारी होगा और ओवरलोडिंग तो चेक हो जाएगी ना, बाजू बाजू में है ना चेक पोस्ट, आप स्वीकार कर रहे हैं? कागज लेके बैठूं तो मैं नहीं बैठ सकता, नहीं नहीं सब चीजों पे लगाम लगेगी, सब चीजों पे लगाम, खाली आप बैठा कागज नहीं मेरे पास, कहीं ये जो लगामे लगेंगी उसमें आप ही की खाली आप हो, कभी कागज लेके नहीं आया डिबेट में, आपने सैकड़ों डिबेट मेरे साथ किए हैं। चलिए अब देखते हैं केदार जी एक साल में बंसाली जी कई ऐसे आपने सैकड़ों डिबेट मेरे साथ किए हैं, मैंने कभी कागज नहीं रखा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचना सूचना के अधिकार के तहत मांग लीजिए, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, बिना सूचना के दे दीजिए ना, सरकार आपकी है, क्या क्या आवश्यकता है, वो तो सब जारी होता है ना, जारी कर दीजिए ना, जनता भी जान जाएगी, दे देंगे बिना सूचना के, देखिए मोटा मोटी मोटा मोटी, अरे केदार भैया आप बोलने दो भाई, मेरे को भी बोलने दो, मैं इतनी प्यार से सुन रहा था आपको, सारी मोटा मोटी चीजें जो थी वो तो जारी की जा चुकी है कि आरटीओ में परिवहन विभाग से पोस्टिंग होगी, पुलिस विभाग से पोस्टिंग नहीं होगी, क्यों पोस्टिंग
सॉरी चेक पोस्ट क्यों चालू की जा रही है, वो सारी चीजें अखबारों में और हमारे वरिष्ठ नेताओं के बयानों में सामने आ चुकी। ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन दिखाइए, तो वो भी दिखा देंगे। संजीव दे दीजिए, बेहतर होगा, समय भी हमारा साफ होगा। साइनी जी, आपका एक्स्ट्रा कमेंट चाहिए इस पूरे मुद्दे पे, बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी जी, जहाँ तक नक्सल की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा कि दिग्विजय सिंह ने भी कहा है नक्सल कोई हथियार और इससे नहीं होता है, इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर आप हथियार सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो नक्सलाइट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हथियार अगर इस तरह से चेक पोस्ट पे पकड़ के बंद करते तो कब से नक्सलाइट मूवमेंट खत्म हो चुका होता। चेक पोस्ट तो अभी बंद किया है, पहले चेक पोस्ट चलता था तो क्या नक्सल मूवमेंट खत्म हो गया? नक्सल मूवमेंट तब भी चलता था, उनके हथियार भी पहुंचते थे और लैंड माइनिंग भी लग जाता था। तो अगर चेक पोस्ट से ही ये सॉल्व होता तो नक्सल मूवमेंट बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो मुझे नहीं लगता कि चेक पोस्ट में और इतना एक कंटेनर जो ट्रक जाते हैं उसमें कम से कम 25 टन सामान होता है। अब 25 टन सामान आप कैसे चेक करोगे? अगर उसके अंदर हथियार रखा है तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप पुलिस वाले को रखो या आरटीओ के अफसर को रखो, वहां पे रख के आप पूरा सामान चेक करें कि उसके अंदर हथियार रखा या नहीं रखा, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। आपको टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चेक पोस्ट पे आप ट्रकों की चेकिंग, इससे क्या है टाइम की बर्बादी होती है। जो ट्रक जीएसटी लाने से सबसे बड़ा जो फायदा बताया गया था, चेक पोस्ट पे गाड़ियां नहीं रुकेंगी, जो एक ट्रक चार राउंड लगाती है वो आठ राउंड लगा पाएंगे। पेट्रोल डीजल का वेस्टेज होता है, पॉल्यूशन होता है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते चेक पोस्ट हटाने का एक फायदा बताया गया था। अब आप चेक पोस्ट लगा के वो सब तो खत्म कर रहे हो और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि नक्सल मूवमेंट कंट्रोल करेंगे, इससे तो नक्सल का हथियार सप्लाई करना बंद नहीं हो रहा है कहीं से भी। तो ना ओवरलोडिंग का जहां तक सवाल है तो वो तो जहां से स्टार्ट होता है वहीं से आरटीओ को पकड़ना चाहिए। ओवरलोडिंग से छत्तीसगढ़ में आके नहीं पकड़ना है, ओवरलोडिंग तो हर जगह हर स्टेट में जहां से गुजरते वहां पे ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। किरार जी, आप ऑलरेडी 5 सेकंड बहुत संक्षेप, मेरा समय ज्यादा हो चुका है। किरार जी, बस मेरा कहना इतना ही है। वरिष्ठ पत्रकार जी ने वो बातों को सबको कह दिया कि आजू बाजू स्टेट में भी चेक पोस्ट है, वहां पर वेइंग ब्रिज है और वहां पर वेट हो जाता है कि ओवरलोडिंग होती है तो गाड़ी वहीं पकड़ी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज का सरलीकरण कोई सरकार करके गई है तो उसे मान लीजिए ना, उसका विरोध क्यों करते हैं? सरलीकरण होना चाहिए। बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी चाबी सौंपने का निर्णय लिया है, ये मैं बंसाली जी को बताना चाहता हूँ। वो माननीय सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना पहुंचा दे, नहीं पहुंची हो तो। चलिए, समय हमारा समाप्त हो गया। बंसाली जी, निश्चित तौर पे अब ट्रांसपोर्टरों ने चाबी सौंपी या आप लोगों ने उनको सौंपने के लिए कहा कि सौंपे सलाह दे दी, ये मुद्दा अलग है, जांच का विषय है। निश्चित रूप में किरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बंसाली जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ चर्चा जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने लगभग 3 साल पहले तत्कालीन बीजेपी सरकार में बंद किए गए सभी परिवहन चेक पोस्ट को खोलने का आदेश जारी कर दिया है और इसके बाद से पुलिस महकमे में निचले स्तर पर डेपुटेशन को लेकर गहमागहमी भी चल रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सारे चेक पोस्ट और बैरियर परिवहन विभाग के अफसर ही और कर्मचारी ही संभालेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राज्य की सीमा के बाहर हो रहे अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी के लिए इन जांच चौकियों को खोला जा रहा है। कहा यह भी गया है कि प्रदेश में परिवहन विभाग के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं, जितनी चेक पोस्ट खोली जानी है उनमें प्रत्येक में न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत होती है। लेकिन उन सबके बीच सवाल वही है कि जिन आरोपों के बाद जांच चौकियां बंद की गई थी, क्या वो आरोप अब फिर से नहीं लगेंगे? खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महकमों पर मुश्किल है, लिहाजा चर्चा इसी मुद्दे पर।